friends, welcome to my YouTube channel, and this video will focus on emphysema, a condition in our body in which the air sacs of the lungs called alveoli are damaged and enlarged, causing breathlessness. इसमें एयर सैक्स जो प्रेजेंट होता है लंग्स में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोल्स, वो डैमेज्ड हो जाता है और इनलास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथलेसनेस होती है, मतलब जब सांस लेने में तकलीफ होती है। नाउ नेक्स्ट है, इसे फोर पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है सेंट्री एकाइनर इम्फाइसेमा, सेकेंड है पैन एकाइनर इम्फाइसेमा, थर्ड है पारासेप्टल इम्फाइसेमा एंड फोर्थ है इरेगुलर इम्फाइसेमा। इम्फाइसेमा डेवलप करता है जब कोई बहुत सालों से स्मोकिंग कर रहा हो लगातार, मेनली उसमें डेवलप करता है, लॉन्ग विथ अस्थमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ को डेवलप कर जाता है। इम्फाइसेमा बिलोंग्स करता है ग्रुप ऑफ लंग डिजीज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीओपीडी। मैंने प्रीवियस वीडियो सीओपीडी का डाला है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए, तो आपको इसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने उसमें बताया था कि इम्फाइसेमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कंडीशन है सीओपीडी को डेवलप कराने में। नाउ नेक्स्ट हम इस फिगर के थ्रू समझेंगे स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। हेल्दी लंग्स सबसे पहले हम देख रहे हैं, उसका पार्टिकल्स ट्रैप होता है एल्वियोली में, फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर करती है वहाँ पर, फिर इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जो डिजॉल्व हो जाते हैं एल्वियोली सेप्टम में, फिर एल्वियोली के जो लाइनिंग मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करता है। नेक्स्ट फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे इसमें दिया हुआ है नॉर्मल एल्वियोली है और नीचे डैमेज्ड एल्वियोली। नेक्स्ट हम देखते हैं काउजेस। सिगरेट स्मोकिंग जो होता है मोस्ट कॉमन काउज है जिसकी वजह से इम्फाइसेमा डेवलप करता है। म्यूकस जो वहाँ पर जमा होता है वो बैक्टीरिया को ट्रैप करता है एंड इन्फेक्शन काउज करता है। इम्यून सिस्टम रिलीज करता है डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्रोटीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है लंग्स की इलास्टिसिटी मेंटेन करने के लिए। इम्फाइसेमा काउज करता है डिफिशियंसी प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट्स द इलास्टिक स्ट्रक्चर्स इन द लंग्स, जिसे हम कहते हैं फ्रॉम एन एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन क्या करता है, हमारे लंग्स की टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है। एयर पोल्यूशन भी हमारे लंग्स को उतना ही इफेक्ट करती है कि जितना कि सिगरेट स्मोकिंग, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है एयरवेज में और टिश्यू डिस्ट्रक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे सिम्टम्स। फर्स्ट है डिफिकल्टी ब्रीदिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, इसे ब्रीदिंग कफिंग हो सकता है, चेस्ट टाइटनेस, मॉर्निंग हेडेक हो सकता है, चाहे उसको वेट लॉस होगा, फिर फैटिंग हो सकता है, डिफिकल्टी स्लीपिंग होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा किसी काम पे, एंकल स्वेलिंग हो सकता है, एंजाइटी डिप्रेशन रहेगा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। फर्स्ट है स्मोकिंग, एज 40 टू 60 इयर्स के लोगों में ज़्यादा होता है ये। एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोक, यानी कि और अगर सिगरेट्स की स्मोकिंग कर रहा है, अगर आप उससे इनहेल कर रहे हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू फ्यूम्स, डस्ट वगैरह, अगर कोई वहाँ पर काम कर रहा है वैसे जगह पर और डस्ट पार्टिकल्स अगर लंग्स में जाए, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सपोजर टू इनडोर आउटडोर पॉल्यूशन दोनों से ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कॉम्प्लिकेशंस में देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स लंग्स हो सकता है, जिसे हम न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, पर उस कंडीशन में जब सीवियर इम्फाइसेमा हो, ये अनकॉमन है वैसे, बट सीरियस हो सकता है बनाकर। हार्ट प्रॉब्लम में देखेंगे कि इसमें प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा आर्टरीज में, जो कनेक्ट होगा हार्ट एंड लंग्स से, लार्ज होल्स हो जाता है लंग्स में, जिसे हम बोली कहते हैं। इससे क्या होता है कि लंग्स के स्पैंड करने का जो स्पेस है वो रिड्यूस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट। ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स देंगे, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, न्यूट्रिशन थेरेपी, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, लंग्स वॉल्यूम रिडक्शन, सर्जरी करेंगे और लास्ट ऑप्शन है लंग्स ट्रांसप्लांट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टॉपिक्स प्लीज कमेंट। Thanks for watching friends, please like, subscribe, comment and share.